गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर वेल. सो इन प्रीवियस लेक्चर वी लर्न अबाउट एम्बिएंट न्यूक्लियोफाइल एंड कॉन्फ़िगरेशन. ओके, सो इन एम्बिएंट न्यूक्लियोफाइल व्हाट वी लर्न दोज ग्रुप हैव टू न्यूक्लियोफिलिक सेंटर. अगेन दोज ग्रुप विच हैव टू न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, दोज ग्रुप्स वी कॉल न्यूक्लियो एम्बिएंट न्यूक्लियोफाइल. एंड वी सी द कॉन्फ़िगरेशन, इट मीन्स मिरर इमेज of any compound, okay, any groups, any molecules. So today bachcho, we are learning very important theory. This theory asks in 3 to 4 mark in our board. Okay, so it is bimolecular nucleophilic substitution, so we call it SN2 reaction. Okay, yahan se aapko jyada se jyada theory bhi hogi aur MCQs bhi cover hoge. Let's see. सो हमको मालूम है रिएक्शन क्या होता है बच्चों. हमने क्या लिया था, मिथाइल क्लोराइड यानी कि CH3Cl एंड द न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप. ओके, दिस वन इज न्यूक्लियोफाइल OH-, तो क्या अटैकिंग ग्रुप है. ओके, सो वी गॉट मिथेनॉल यानी कि CH3OH एंड देन क्लोराइड आयन, दिस इज लिविंग ग्रुप. ओके, आगे हम इसकी मैकेनिज्म भी देखेंगे. सो लेट्स सी रिएक्शन मैकेनिज्म बाय, ये किसने दिया, इट इज बाय एडवर्ड डेविस यूज एंड सर क्रिस्टोफर इनगोल्ड. इन्होंने ये SN2 रिएक्शन बताया हमको. ओके, आगे लेके गए SN2 रिएक्शन को. सो इस रिएक्शन को टेक्स्ट बुक में हमको पूरा का पूरा पैराग्राफ में एक्सप्लेन कर दिया है. सो हियर आज हम इसको 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं. ओके, एंड वी कैन सी 1 by 1, 4 पार्ट. ओके, लेट्स सी द फर्स्ट वन इज काइनेटिक ऑफ बायमोलेक्युलर रिएक्शन, यानी कि जो रेट है उसका वो क्या होता है, उसका केमिकल काइनेटिक क्या है. ओके, वो किस ऑर्डर का है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर. ओके, नेक्स्ट इन बायमोलेक्युलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन SN2, यानी कि हम यहाँ पे देखेंगे मैकेनिज्म. ओके, यहाँ पे क्या होता है, सिंपल SN2 रिएक्शन कंप्लीटेड इन अ सिंगल फेज. यहाँ पे क्या होगा बच्चों, इन अ सिंगल फेज, यानी कि वो एक ही स्टेप में क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है बच्चों. ओके, यहाँ पे कोई भी सेकंड स्टेप नहीं होता है, डायरेक्ट फर्स्ट स्टेप में ही ये हमको प्रोडक्ट मिल जाता है, वो क्या है, मिथेनॉल. ओके, लेट्स सी फोर्थ वन इज इन दिस रिएक्शन इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन. ये हमको मालूम है कॉन्फ़िगरेशन यानी कि मिरर इमेज होता है जब भी ये न्यूक्लियोफाइल OH ग्रुप है. ओके, वो क्या करेगा, अटैक करेगा CH3 पे, कार्बन पे, तो क्या हो जाएगा, ये CH3 जो हाइड्रोजन है उसका क्या हो जाएगा, इन्वर्जन हो जाएगा, यानी कि ये अपोजिट डिरेक्शन से अटैक करता है. यहाँ पे एक तो न्यूक्लियोफाइल ग्रुप है Cl, दूसरा कौन आता है अंदर, OH, वो अपोजिट साइड से आता है. ओके, तो लेट सी इन डिटेल. तो फर्स्ट लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक, द काइनेटिक ऑफ बायमोलेक्युलर रिएक्शन. तो बच्चों हमने देखा कि द रेट डिपेंड अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट, यानी कि रेट कौन डिफाइन करता है, हमको मालूम है रेट कौन डिफाइन करता है, रिएक्टेंट. सो यहाँ पे हमारे पास दो रिएक्टेंट है, फर्स्ट वन इज CH3Cl मिथाइल क्लोराइड, फर्स्ट वन इज मिथाइल क्लोराइड एंड सेकंड वन इज न्यूक्लियोफाइल ग्रुप, यानी कि न्यूक्लियोफाइल रिएक्टेंट, वो है OH-. यहाँ पर दोनों की कॉन्सेंट्रेशन को इन्वॉल्व किया गया है, ये दोनों की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड है, जो आउटपुट यानी कि जो प्रोडक्ट मिलता है वो दोनों की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड है, किसकी, CH3Cl और OH-. ओके, क्लियर है. सेकंड, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, रेट क्या है रिएक्शन का, रेट इज इक्वल टू के CH3Cl एंड OH-. ओके, तो CH3Cl क्या है, सिंगल वन है, एंड OH- भी क्या है, एक ही है यहां पे. ओके, आप देख सकते हो ये बैलेंस क्या है, बैलेंस क्या है ये इक्वेशन. ओके, तो सिंपल इक्वेशन है ये और बैलेंस ही है, उसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है. तो आप देख सकते हो यहाँ पे CH3Cl एक ही है, पावर एक है, और OH की पावर भी क्या है, एक है, दोनों की पावर एक है. तो अगर इसका, ये तो हमने देखा इसका रेट, यानी कि ये दोनों पे डिपेंड करता है, CH3Cl पे भी उसका रेट डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CH3Cl एंड OH-. ओके, रेट क्या आपको पता चल गया उसका,
यानी कि CH3Cl की भी पावर एक है और OH की पावर भी क्या है, OH माइनस की पावर भी एक है। तो अगर हम उसका रिएक्शन ऑर्डर निकाले बच्चों, तो दोनों की पावर एक एक है, तो हम देख सकते हैं उसका रिएक्शन ऑर्डर क्या होगा बच्चों, 1+1 यानी कि 2, यानी कि ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। हमने देखा था जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो ये जो है SN2 रिएक्शन यानी कि बाई मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये MCQ में पूछा जा सकता है, ये किस, ये रिएक्शन ऑफ ऑर्डर क्या है SN2 का, तो हम बता सकते हैं इजीली, इट इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। व्हाई? बिकॉज इट डिपेंड अपॉन बोथ रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि CH3Cl का भी इसमें कॉन्सेंट्रेशन इन्वॉल्व किया जा सकता जाता है और OH माइनस का भी इसमें इन्वॉल्व किया जाता है, राइट। तो इसकी पावर एक है, इसकी भी पावर एक है, सो रिएक्शन ऑर्डर क्या है इसका बच्चों, 2। मालूम हो गया, रेट भी आपको पता चल गया, K इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3Cl एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस बच्चों, क्लियर है अभी। और आगे इट फॉलो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, इट फॉलो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक। यहाँ पे हमने बच्चों फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन की, ओके वो क्या है, रेट हमने देखा, सेकंड रिएक्शन ऑर्डर भी हमने देखा, और ये किसने, ये मैकेनिज्म किसने दिया, ये तीन चीज हमने यहाँ पे डिफाइन की है, ओके तो अब हम यहाँ पे सेकंड कैरेक्टरिस्टिक पे जाएंगे, वो है बाई मोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन SN2 मैकेनिज्म और SN2 रिएक्शन, ओके तो लेट सी द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक। सो बच्चों बी, हमने फर्स्ट स्टेप देखा हमने, ओके नेक्स्ट बी, व्हाट हैपन इज बी कैरेक्टरिस्टिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन SN2 रिएक्शन। इसमें क्या होता है, सिंपल हम सबको मालूम है बच्चों, ये वहाँ पे CCl बॉन्ड ब्रेक होता है, ओके और जो इनकमिंग ग्रुप है OH माइनस न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप, ओके तो वो क्या होगा, अंदर ऐड होगा, यानी कि उसका बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं CCl बॉन्ड टू ब्रेक एंड न्यू बॉन्ड फॉर्म बिटवीन C एंड O एंड दैट इज COH यानी कि अल्कोहल एंड फॉर्म मिथाइल अल्कोहल एंड दैट इज CA3OH, यहाँ पे हम देख सकते हैं, ओके तो बच्चों यहाँ पे क्या होता है कि मैकेनिज्म के अंदर हम C यानी कि SN2 रिएक्शन कंप्लीटेड इन अ सिंगल स्टेप, उसके अंदर ट्रांजिशन स्टेट आता है, उसके अंदर हम डीपली पढ़ेंगे कि ये OH कैसे अंदर एंटर होता है, अटैक करता है, CL कैसे अंदर से लीव करता है, ओके तो कैसे हमारा क्लोराइड आयन यहाँ पे फॉर्म होता है, ये सारी की सारी चीज़ें हम सी में देखेंगे, क्योंकि उसकी मैकेनिज्म में। यहाँ पे बी में सिर्फ इतना ही है कि OH अटैक करता है तो क्या होता है, CCl बॉन्ड ब्रेक होता है और COH बॉन्ड फॉर्म होता है, सिंपल, ओके। लेट सी इन थर्ड स्टेप एंड दैट इज SN2 रिएक्शन कंप्लीटेड इन अ सिंगल स्टेप, यानी कि इसमें मैकेनिज्म दिया गया है बच्चों कि सिंगल स्टेप में कैसे ये कैरी फॉरवर्ड होता है, कैसे ये आगे बढ़ता है बच्चों, ओके बहुत ईजी है, जरा सा भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ओके आगे देखते हैं बच्चों। यहाँ पे हमने देखा है OH यानी कि न्यूक्लियोफाइल सब्सटेंस है, रिएक्टेंट है OH, ओके सो हमने देखा CH3Cl, अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर इसका होता है, सी ये हमने मालूम है, ये एच आगे की ओर है और ये एच डैश डैश यानी कि पीछे की ओर है और ये सेम प्लेन में है। तो जब ये OH यानी कि ये कौन सा ग्रुप है, इनकमिंग न्यूक्लियस न्यूक्लियोफाइल है, ये जिस CL पे अटैक करेगा बच्चों, तो क्या होगा इसमें कि यहाँ पे जो वीक बॉन्ड जनरेट होगा, यहाँ पे एक वीक बॉन्ड है, यहाँ पे भी एक वीक बॉन्ड है, ओके यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल ग्रुप तो है ही CL माइनस हमको मालूम है और एक और न्यूक्लियोफाइल ग्रुप अंदर अटैक कर रहा है, तो क्या होगा, हियर इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल ब्रेक CCl बॉन्ड एंड फॉर्म COH, ओके इट कैरीड इन ए सिंगल स्टेप एंड नो इंटरमीडिएट इज फॉर्म। यहाँ पे ये सिंगल स्टेप यानी कि ये स्टेप डायरेक्टली हमको क्या मिल जाता है, प्रोडक्ट। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, ऐसा कोई इंटरमीडिएट नहीं मिलता हमको, ओके यहाँ पे डायरेक्टली, और इंटरमीडिएट यानी कि यहाँ पे कोई हमारा कार्बोकैटायन नहीं मिलता बनता, डायरेक्टली क्या होता है, फर्स्ट स्टेप टू डायरेक्टली वी हैव गॉट टू अवर प्रोडक्ट। आगे भी बोला था मैंने, यहाँ पे कोई कार्बोकैटायन जनरेट नहीं होता, यानी कि ये सी एल माइनस बॉन्ड लेके चला जाए, यहाँ पे कार्बन प्लस हो जाए, बाद में सी OH माइनस अटैक करेगा और प्लस माइनस
ओके हमारा मिथेनॉल बनाए, ऐसा कुछ रिएक्शन नहीं है बच्चों यहाँ पे। मोस्ट ऑफ बच्चे यही जो है वो भूल करते हैं कि क्या करते हैं कि ये सीएल निकाल देते हैं, ये पॉजिटिव हो जाता है, ये नेगेटिव है उसको अटैच कर देते हैं। सो दिस इज नॉट राइट मेथड। यहाँ पे एक ही जगह पे यानी कि जो ट्रांजिशन स्टेट है बच्चों उसी में ही क्या है OH भी है और Cl- भी है। हमको मालूम ये पार्शली नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे भी पार्शली नेगेटिव चार्ज। तो ये जो ट्रांजिशन स्टेट है बच्चों वो क्या है, वेरी वेरी अनस्टेबल, वेरी वेरी अनस्टेबल। व्हाई बच्चों? बिकॉज हियर यू कैन सी 1 2 3 4 1 2 3 4 5, यहाँ कार्बन के पास 5 बॉन्ड है, क्लियर है, और सारे के सारे क्या है वीक बॉन्ड है। तो ये वेरी अनस्टेबल और इट इज नॉट आइसोलेटेड। तो यहाँ पर देख सकते हैं द एज द रिएक्शन प्रोग्रेस, यानी कि रिएक्शन ये अटैक करता है दिस कार्बन पे, सो प्रोग्रेस बॉन्ड बिटवीन सी ओ एच इज स्ट्रॉन्गर एंड सी सी एल बॉन्ड वीकर। जैसे कि ये एंटर होता है तो ये क्या है, ये जैसे ही पास में आता है तो ये सी एल दूर होता चला जाता है, जितना ये पास आता है नज़दीक आता है उतना ये सी सी एल उससे दूर जाने की ट्राई करता है, यानी कि दूर जाता है बच्चों। वाई? बिकॉज दिस इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक रिएक्टेंट OH माइनस इज। हमको मालूम है कि एक आता है तो दूसरे को क्या करना पड़ता है, चला जाना पड़ता है, क्योंकि कार्बन के वैलेंस से क्या हमको मालूम है, इट इज टेट्रावेलेंट, कार्बन इज टेट्रावेलेंस। ओके लेट्स सी द ट्रांजिशन स्टेट, यानी कि ट्रांजिशन स्टेट में बच्चों क्या होता है वो हम अभी देखते हैं। ओके लेट्स सी, सो हियर बच्चों इन ट्रांजिशन स्टेट हमने देखा ये ट्रांजिशन स्टेट है। सो इन ट्रांजिशन स्टेट कार्बन अटैच विथ 5 एटम, हमने देखा 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे इन ट्रांजिशन स्टेट ऑल 3 सी एच बॉन्ड, हमारे पास हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड है हम सबको मालूम है। ओके ऑल दिस 3 बॉन्ड आर इन सेम प्लेन एंड सी ओ यानी कि सी ओ एच एंड सी सी एल यानी कि जो लिविंग ग्रुप है और जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है दोनों बॉन्ड इन अ प्लेन अपसाइड एंड डाउन साइड। यहाँ पे मैं ऐसे बताया है यानी कि ये एक ऊपर की साइड है और एक नीचे की साइड है और ये तीनों के तीनों क्या है सेम प्लेन में। अभी आगे भी हमने बोला कि एक तरफ यहाँ पे सीएल है तो वो यहीं से अटैक नहीं कर सकता, OH माइनस इस तरफ से अटैक नहीं कर सकता। ओके जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है वो पीछे से यानी कि अपोजिट डायरेक्शन से वो अटैक कर सकता है तभी ये यहाँ से निकल सकता है। एक उसकी जगह पे है तो उसको उठा के OH ग्रुप नहीं डाल सकते हम, हमको क्या करना है अपोजिट साइड से, वो भी होशियार है यहाँ से ही नहीं अटैक करेगा, उसको मालूम है यहाँ पे ऑलरेडी है। ओके सोल्जर यहाँ पे है तो ये यहाँ से नहीं अटैक करेगा, वो अपोजिट साइड से अटैक करेगा। तो अब देख सकते हो आप यहाँ पे भी ये अपोजिट डायरेक्शन में है और ये अपोजिट डायरेक्शन में है। ओके नेक्स्ट स्ट्रक्चर आर अनस्टेबल, अभी मैंने बोला है क्यों अनस्टेबल है कि कार्बन के पास कितना बॉन्ड है 5 बॉन्ड है एंड कैन नॉट बी आइसोलेटेड और उसको हम अलग भी नहीं कर सकते उसी स्टेट में किसी को अलग नहीं कर सकते। ऑल्सो कार्बन इज साइमल्टेनियसली बॉन्डेड टू 5 बॉन्ड इन ट्रांजिशन स्टेट, ये भी हमने देखा कि कार्बन जो ट्रांजिशन स्टेट में है, हम अभी हमने बोला आगे कि यहाँ पे हमने आगे भी बोला कि ये क्या है कोई इंटरमीडिएट नहीं बना था, सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट है हमारे पास, पता चला कोई इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं करता यानी कि कार्बोकैटायन कार्बोएनायन कोई भी यानी कि कैटायन एनायन कोई नहीं बनाता, सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट बनाता है और डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू आवर प्रोडक्ट। पता चल गया बच्चों, वेरी इजी, आई होप कि आपको पता चलता है अभी। ओके ये इजी है, इसमें कोई हार्ड नहीं है, सिर्फ OH आता है अटैक करता है, जैसे जैसे आगे रिएक्शन बढ़ता है वैसे वैसे ये हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा कार्बन से, वैसे वैसे ये क्लोरीन है क्लोरीन आयन वो रिमूव हो जाएगा और वो क्लोराइड आयन में फॉर्म हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा इन्वर्जन हो जाएगा, ये हम फोर्थ स्टेप में देखेंगे। ओके तो अभी हम फोर्थ स्टेप की ओर चलते हैं और देखते हैं कि ये इन्वर्जन कैसे होता है। ओके तो लेट्स सी द फोर्थ स्टेप। सो इन अवर फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगुरेशन, इन्वर्जन यानी कि वो क्या होता है मिरर इमेज, हमने बोला था कॉन्फिगुरेशन वो अपर पूरा का पूरा क्या होता है उल्टा हो जाता है। सो हियर लिविंग ग्रुप Cl- एंड OH- बोथ आर नेगेटिव चार्ज, हमने पहले ही बोला कि ये बोथ आर नेगेटिव चार्ज, बोथ आर न्यूक्लियोफाइल, सो
OH group attacking by opposite direction, both are negative charge, तो यहाँ से attack नहीं कर सकते, वो कहाँ से जाएगा, पीछे से attack करेगा, आप यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से attack नहीं है, पीछे से बच्चों attack करता है, so in transition state OH minus and Cl minus group in opposite directions, तो आपने देखा कि वो both are opposite direction, ये इस तरफ है और ये इस तरफ है, next, and finally nucleophile attached to carbon and leaving group leave the carbon, अभी पहले directly OH आता है और Cl चला जाता है ऐसा नहीं है बच्चों, डायरेक्टली OH ने एंटर किया ओके एंड Cl माइनस Cl निकल गया ऐसा नहीं है, ट्रांजिशन स्टेट यानी कि ये भी है और ये भी है दोनों है और ये ट्रांजिशन स्टेट क्या है बच्चों अनस्टेबल है, यानी कि जैसे जैसे ये नजदीक आता है C एंड OH बॉन्ड वैसे वैसे C एंड Cl बॉन्ड ब्रेक होता है, पता चला ऐसे ना कि ये आया और ये चला गया फटाफट से ओके तो ये OH आता है और बाद में Cl वहां से लीव करता है यानी कि हम उसको बोलते हैं लिविंग ग्रुप, आगे भी हमने बोला था ये Cl माइनस क्या है लिविंग ग्रुप, तो OH एंटर करता है C के साथ अटैच होता है और Cl माइनस लीव करता है, तुमको मिलता है मिथेनॉल यानी कि CH3OH, बट आप देख सकते हो इसका स्ट्रक्चर और ये आप ये स्ट्रक्चर देख सकते हो कार्बन का और ये कार्बन का स्ट्रक्चर देख सकते हो आप, ये इन्वर्टेड है देख सकते हो ये हाइड्रोजन यहाँ पे है और ये यहाँ पे है ओके और ये सी एल यहाँ पे था और यहाँ पे भी OH कहाँ से है यहाँ से आप देख सकते हो इन्वर्टेड है कॉन्फिग्रेशन, सो एंड फाइनली न्यूक्लियोफाइल अटैच टू द कार्बन, अभी हमने देखा फाइनली न्यूक्लियोफाइल अटैच टू द कार्बन एंड लिविंग ग्रुप लीव द कार्बन यानी कि सी एल माइनस ओके लिविंग ग्रुप है वो वहाँ से लीव कर जाएगा बच्चों, है ना एकदम इजी, एज द रिजल्ट कॉन्फिग्रेशन इज इन्वर्टेड एंड प्रोसेस कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिग्रेशन, ये क्या है इन्वर्टेड हो जाता है पूरा का पूरा ओके जैसे हम छाता लेके जाते हैं बारिश में तो बहुत ही पवन विंड अगर जोर से आता है फास्ट तो क्या होता है वो इन्वर्ट हो जाता है उल्टा हो जाता है ओके तो लाइक दैट इट इज इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिग्रेशन ओके दैट इज अवर फोर्थ टॉपिक फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक इज इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिग्रेशन, वन मोर थिंग बच्चों यहाँ पे ये प्राइमरी है प्राइमरी हैलाइड है तो ये अल्कोहल ग्रुप है OH ग्रुप यानी कि जो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्टेंट है न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप है तो वो फटाफट से अंदर एंटर कर जाता है, लाइक अगर हम यहाँ से एक H निकाल के दूसरा कार्बन अटैच करें यानी कि वो सेकेंडरी हो जाएगा तब क्या होगा रिएक्शन फास्ट होगा स्लो होगा, अगर हम एक H निकाला तो आप दूसरा H भी निकालते हैं यानी कि प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी यानी कि 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री में जो वो जो अटैक करता है वो उसका पोजीशन कैसे रहेगा ओके तो वो अभी हम देखते हैं, चलो लेट्स सी, सो यहाँ पे हमने देखा बच्चों कि यहाँ पे कार्बन है एक कार्बन है और यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन ही अटैच है और न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करता है तो ईजिली अटैक यानी कि इजीली बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 1 डिग्री है यानी कि जो ग्रुप अटैच है कार्बन के साथ वो एक और कार्बन के साथ अटैच है यानी कि ये 1 डिग्री यानी कि ये CC इथाइल है, यहाँ पे हम देख सकते हैं हेलोजन ग्रुप जो एक कार्बन है जो अटैच वो और दो कार्बन के साथ अटैच हुआ है यानी कि ये 2 डिग्री उसका नाम है आइसोप्रोपाइल को मालूम है, 3 डिग्री जो हेलोजन ग्रुप के साथ जो कार्बन अटैच है और 3 कार्बन के साथ अटैच है तो दिस वन इज 3 डिग्री यानी कि टर्शरी ब्यूटाइल ओके सो यहाँ पे जो न्यूक्लियोफिलिक जो रिएक्टेंट है वो अटैक करेगा तो किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी कौन सा न्यूक्लियोफाइल इजीली कौन से ग्रुप में इजीली न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा तो यहाँ पे हमको मालूम है तो क्या करते हैं यहाँ पे तो आप देख सकते हो इसकी रिएक्टिविटी हाईएस्ट है यानी कि ये इजीली अटैच हो जाएगा ओके उससे कम किस में रहेगा इसमें क्योंकि यहाँ पे एक कार्बन और आ गया तो न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक नहीं करेगा, यहाँ पे आप देख सकते हो 2 कार्बन है तो ये इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा रहेगी किसकी 1 डिग्री की 2 डिग्री की उससे कम एंड 3 डिग्री की उससे कम राइट सो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हियर इज प्राइमरी हैलाइड नेक्स्ट सेकेंडरी एंड नेक्स्ट टर्शरी ओके गॉट इट बिकॉज ऑफ
जैसे जैसे कार्बन की वैलेंस कार्बन बढ़ता जाएगा एक एक कार्बन, वैसे वैसे उसकी रिएक्टिविटी बच्चों कम होती जाएगी। ओके, तो उसका अटैकिंग ऐसा जो रिएक्टिविटी है न्यूक्लियोफिलिक की, वो ऐसे इजीली अटैक नहीं करेगा, वो इजीली बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। दिस वन इज द मेन प्रोजेक्ट मेन रीजन। जो जैसे जैसे कार्बन बढ़ेगा बच्चों, वैसे न्यूक्लियोफाइल जो है वो इजीली बॉन्ड बनने नहीं देगा ये कार्बन के साथ, बिकॉज यहाँ पे एक कार्बन है, एक कार्बन है, यानी इसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी तो इजीली फॉर्मेशन नहीं होगा, इसकी और ज़्यादा है रिएक्टिविटी तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। ओके, सो ये जो प्राइमरी है जो मिथाइल हैलाइड है, ओके, वो क्या है बच्चों, इजीली बॉन्ड फॉर्मेशन कर जाता है किसके साथ, न्यूक्लियोफाइल के साथ। सो बच्चों टुडे आज हमने जो SN2 मैकेनिज्म देखा, ओके, बाई मोलेक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ओके, सो उस पर अगर हम रिविजन करें तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, यानी कि द फर्स्ट है वो CH3OH CH3Cl एंड न्यूक्लियोफाइल यानी कि OH- दोनों की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड है उसका रेट। ओके, सो दिस इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ओके, हमने देखा एक ही स्टेप में वो सिंगल फेज में वो प्रोडक्ट फॉर्म करता है। ओके, एंड देर इज नो इंटरमीडिएट, देर इज नो फॉर्म ऑफ इंटरमीडिएट, यानी कि कोई भी यहाँ पे इंटरमीडिएट नहीं जनरेट हो सकता, यहाँ पे सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट है, जैसे वो एच अंदर आया और Cl- बाहर निकल गया बच्चों। ओके, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट थियरी इन अवर बोर्ड एग्जाम, दिस SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म। ओके, आपको PDF मिलेगा, नोट डाउन करना है, लिखना है, पढ़ना है। मैंने आपको यहाँ पे फोर सिंपल वे में आपको फोर स्टेप में आपको रिएक्शन बताया। ओके, तो उसी को आपको फॉलो करना है, टेक्स्ट बुक भी आप पढ़ सकते हो, सेम थिंग्स है, सिंपल। मैंने सिर्फ यहाँ पे आपको थोड़ा डिफरेंट बाइफरगेट करके बताया है। ओके, तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।